जब कभी भी हम कुछ भी शब्द बोलते हैं या फिर हम किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो हमारे चेहरा के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज दिखता है वह एक दांत भी है। और अधिकांश लोगों का जो दांत है वह बिल्कुल अच्छे तरह से साफ नहीं रहता है, कहने का मतलब कि अच्छे से नहीं चमकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दांत तो बहुत काला होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दांत ठीक ठाक होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दांत पीला होता है, यानी कि उनके दांत में पीलापन रहता है। तो आखिर हम अपने दांत को किस तरह से चमकाएं, और वो भी घरेलू सामान की सहायता से, बिना दुकान से एक भी रुपया का कोई चीज खरीदे हम अपने दांतों को कैसे चमकाएं, यही इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, अपने दांतों को चमकाने के लिए ना यहाँ पर मैं आप लोगों को चार तरीका बताने वाला हूँ, जिनमें से कोई भी तरीका का यदि आप पालन करते हैं तो आपका दांत बहुत जल्द 1 से 2 दिन में या फिर 1 सप्ताह में बिल्कुल अच्छे से चमकने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका यह है दांतों का चमकाने का कि आप क्या कीजिए ना, 2 चुटकी नमक ले लीजिए या फिर 1/2 चम्मच नमक ले लीजिए। अब उसमें क्या कीजिए, उस नमक में आप 1 चम्मच सरसों का तेल मिला दीजिए और उसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उस पेस्ट को आप अपनी उंगली की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से अपने दांतों पर हल्का हल्का 2 से 3 मिनट रगड़िए। उसके बाद पानी से अच्छे से कुला कर लीजिए। इस तरह से यदि आप 2 से 3 बार या सप्ताह में 1 बार करते हैं या फिर पूरा का पूरा यदि 1 सप्ताह भी करते हैं तो आपका जो दांत है ना वह बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगा, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप 1 चम्मच नमक लीजिए और उसमें क्या कीजिए कि हल्का सा 1-2 चुटकी क्या कीजिए कि बेकिंग सोडा मिला दीजिए, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है ना उसे आप मिला दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उस मिश्रण को आप ब्रश की सहायता से हल्का हल्का 2 से 3 मिनट अपने दांतों पर क्या कीजिए, रगड़िए। ऐसा करने के बाद ना आपका दांत जो है ना तुरंत साफ हो जाएगा, और यदि आपके मुंह से हल्का हल्का बदबू भी आता होगा ना तो वह भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना है कि यदि आप नमक के साथ बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं तो ऐसा आपको रोज नहीं करना है, सप्ताह में आप 1 या 2 बार कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा उपाय यह है कि आप 1 चम्मच नमक लीजिए या फिर 1/2 चम्मच नमक लीजिए और उसमें क्या कीजिए, 3 से 4 बूंद नींबू का रस मिला दीजिए और उसे पेस्ट बनाकर उससे भी यदि आप अपने दांतों को रगड़ते हैं तो आपका दांत तुरंत ही साफ हो जाएगा। और यह काम भी आपको रोज नहीं करना है, 1 दिन बीच लगाकर या फिर सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। उसके बाद चौथा तरीका यह है अपने दांतों को साफ करने का कि आप 1/2 चम्मच नमक ले लीजिए, उसमें हल्का सा अदरक पाउडर मिला दीजिए और हल्का सा शहद मिला दीजिए और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद क्या करना है, इस मिश्रण को ब्रश की सहायता से आप अपने दांतों पर 2 से 3 मिनट रगड़िए। इतना करने के बाद आपका दांत तुरंत ही साफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी 4 तरीका बताया हूँ इनमें से यदि आप कोई भी तरीका का पालन करते हैं तो आपका दांत तुरंत ही साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैंने पहला तरीका बताया है कि नमक और सरसों का तेल वाला, इसका आप उपयोग चाहे तो रोजाना कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी मैंने 3 तरीका बताया है उसका उपयोग आप रोज मत कीजिएगा, सप्ताह में 1 बार या फिर 2 बार ही कीजिएगा, ठीक।